मुझे लगा तुम इस बार सेमेस्टर में ज्यादा नंबर्स लेकर आओगे। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम्हारे तो हमेशा हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। क्योंकि इस बार मेरा दिमाग दिमाग ही है। तो कहाँ था आपका दिलो दिमाग? बस है कुछ जो मेरे दिलो दिमाग पे डेरा जमा है। अच्छा, वो तो कोई बहुत ही खुशनसीब होगा जिसने तुम्हें अपने बस में कर लिया। जरूर कोई जादूगर होगा। हाँ, वो किसी जादूगर से कम नहीं। मैं सच कहूँ तो मेरा भी कुछ तुम्हारे जैसा ही हाल है। अच्छा, आपका ख्याल किसने कर दिया? है एक हसीन लड़की, जब वो मेरी आंखों में देखती है तो उसका जादू सर चढ़कर बोलता है। बस भी करो हसन, सारे रोमांस यहीं कर लोगे ना तो शादी के बाद कुछ नहीं रहेगा करने को। नहीं नूर, तुमसे जितना प्यार करता हूँ मेरा प्यार उतना ही बढ़ता है। दिल भरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमेशा इतना ही चाहोगे ना मुझे? इससे भी ज्यादा। लगता है खास एहतमाम किया है आपने। एहतमाम तो उस दिन होगा जिस दिन आपकी बेटी इस घर में वापस आएगी। खैर से सेमेस्टर खत्म हो चुका है इसका। फोन आया था उसका, आ रही है वो। तुम देखना, हमारी बेटी इंशाल्लाह इस बार भी शानदार नंबरों से पास होगी। इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर कामयाब होगी। लेकिन आजम, मैं सोच रही हूँ कि इस दफा रिजल्ट आने से पहले ना उसका कहीं रिश्ता पक्का कर देते। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आने के बाद वो आगे पढ़ने और जॉब करने की जिद करने लगे। उसकी पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में इतने अच्छे अच्छे रिश्ते गंवा दिए हमने। अरे तुम फिक्र मत करो, हमारी नूर के लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या? खानदान के अंदर और बाहर भी कई लोग इंटरेस्टेड हैं, बल्कि वो डॉक्टर शाहनवाज साहब भी अपने बेटे के लिए बात करना चाहते हैं। कौन? वो डॉक्टर शाहनवाज जिनके कराची और हैदराबाद में हॉस्पिटल भी हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे खानदानी लोग। क्या करता है उनका बेटा? मैंने छानबीन करवाई है, बहुत ही शरीफ और बुजुर्ग लड़का, हार्ट सर्जन, वासिफ नाम है उसका। अच्छा, तो जल्द जाके मुलाकात तो करें, देर क्यों कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है, एक दो दिन में जाऊंगा मैं। हाँ, अरे शामी कबाब तो ले आओ, बहुत सुस्त है आपकी बेटी। नहीं नहीं, कोई सुस्त नहीं, मेहनती बच्ची है। ये ले, कढ़ाई टेस्ट करें, इसी ने बनाई है। इसी की खुशबू आ रही थी ना? तो मैं कह रहा था कि आजम साहब की हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, और बेटे मैं चाह रहा हूँ कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में हो जाए। अब अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मैं और आपकी अम्मी आपके रिश्ते की बात कर सकते हैं। इसे भला क्या एतराज हो सकता है? अरे भाई, आजकल बच्चों से पूछना पड़ता है। मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद होती ना तो सबसे पहले मुझे पता चलता, लेकिन ये मेरी पसंद से शादी करना चाहता है। और आजम साहब की बेटी तो हीरा है हीरा। मैं उसकी तस्वीर लेकर आई, दिखाऊंगी तुम? नहीं, तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं, अगर आप लोग ने पसंद किए तो जरूर अच्छी हो। हाँ बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि लड़की अच्छी हो और एजुकेटेड हो, और अगर आप लोगों को पसंद है तो जरूर अच्छी होगी। अरे बड़ी लायक बच्ची है, कराची यूनिवर्सिटी से MBA कर रही है, और उनके डैडी यानी कि आजम साहब 2 दिन में तुमसे मिलने के लिए आएंगे, तो फिर हम मंगनी तय कर लेंगे और फिर 2 साल में तुम्हारी शादी। हरगिज नहीं, मैं शादी जल्द से जल्द करूंगी। आपको तो मेरी तन्हाई का कोई ख्याल ही नहीं, सारी जिंदगी हॉस्पिटल में काम करते हुए गुजार दी और मेरे बेटे को भी उसी प्रोफेशन में लगा दिया। मैं आप दोनों को बता रही हूँ, मैं कल जा रही हूँ बात पक्की करने। बस क्या कर सकते हैं? 2 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मुझे आज भी याद है जब यूनिवर्सिटी में हम पहली दफा मिले थे। वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था, मगर मैं बहुत खुश था और आज मैं उतना ही उदास, क्योंकि कल तुम इस शहर को छोड़ के जा रही। मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ? तुम्हारी जिंदगी से थोड़ी जा रही हूँ, इसमें उदास होने की कोई बात नहीं। डर लगता है कहीं हमारी जिंदगी की आखिरी मुलाकात ना हो।
अब तुम ऐसी बातें करके मुझे अपसेट कर रहे हो। कहा ना जाते ही अम्मी और अबू से बात करूंगी तुम्हारी। क्या इंट्रोडक्शन करवाओगी उनसे मैं? यही कैसन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शरीफ और बहुत मेहनती, और सबसे बढ़कर ये कि मुझे बहुत पसंद है। तेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है नूर, ना ही मेरे पास कोई ढंग की जॉब है। एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करने वाले और थोड़े बहुत ट्यूशन पढ़ाने वाले को इतनी बेटी कौन देगा? मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। These are the facts of life, तो मानो या ना मानो, फिर मैं जानता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे फैसले में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ नूर, लेकिन लेकिन क्या? डर जाता हूँ ये सोचकर कि कहीं तुम्हें खो ना दूँ। जिंदगी में आज तक मैंने कोई खुशी नहीं देखी, पता नहीं क्यों खुशियाँ मुझसे हमेशा दूर ही भागती हैं। तुम जानती हो मेरी सारी जिंदगी अंधेरों में गुजरी है, छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया, अब अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो क्या करूँगा? मुझे तुम्हारे बगैर जीना नहीं आता। मुझे तुम्हारा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम अगले हफ्ते खाला को लेकर आओ। मेरा ख्याल है मुझे रिजल्ट आने तक इंतजार कर लेना चाहिए, कोई अच्छी जॉब मिल जाए फिर रिश्ता लेके आऊंगा। तब तक देर हो गई तो हसन? अभी तो स्टैंड लेने की बातें कर रही थी, अब जरा सी देर में मेरा इंतजार नहीं कर सकती? मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। हसन बहुत पहले लेके रखी थी, लेकिन तुम्हें देते हुए हिचकिचा रहा था, सोचता था तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने की ख्वाहिश करना खुद गर्जी और तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं। मेरे लिए तुम्हारा साथ और तुम्हारी मोहब्बत दुनिया की हर आसाइश से ज्यादा कीमती है। सोच लो। सोच लिया, अब पहना भी दो। साथ तेरा छूटे ना मुझसे, खाई है मैंने कसम। मैंने तो इससे मिलते ही फैसला कर लिया था कि अगर दामाद बनाऊंगा तो सिर्फ उसे। वैसे अंकल अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं चाहूंगा एक दफा मैं नूर से पहले मिल लूं। आप लोगों ने कैसे उनकी मर्जी के बगैर उनका रिश्ता तय कर दिया? अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? भाई मुझे तो वासे बहुत पसंद आया। मैंने तो इससे मिलते ही फैसला कर लिया था कि अगर दामाद बनाऊंगा तो सिर्फ उसे। तो फिर देर किस बात की है भाई साहब, आप बस हमारा मुंह मीठा करवाइए। यकीन करें आप लोगों ने जिस चाहत और मान से मेरी बेटी का रिश्ता मांगा है वो हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। जो भी लड़की इसकी दुल्हन बनेगी ना बहुत खुशकिस्मत होगी। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले नूर से उसकी राय मालूम कर लें, उससे बात करके हम आपको जवाब दे देंगे। नूर से तो बात हो ही जाएगी, वैसे वो कल वापस आ रही है, फिर आप लोगों को हम इनवाइट करेंगे ताकि आप उससे भी मिलें। गुड, वेरी गुड। वैसे बेटी से तो हम मिल चुके हैं कई बार, लेकिन अब अगर वासिफ नूर से मिलना चाहे तो जी बस। वैसे अंकल अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं चाहूंगा एक दफा मैं नूर से पहले मिल लूं। अरे हमें भला क्यों एतराज होगा, और वैसे भी शरई तौर पर जायज है कि लड़का लड़की शादी से पहले एक बार एक दूसरे को देखे। हाँ हाँ हमें कोई एतराज नहीं है, तुम जब चाहे उससे मिल लेना। और आपके वो हॉस्पिटल वगैरह कैसे चल रहे हैं? अब तो मेरे ख्याल है वासिफ ही मैनेज कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल।
अच्छा चला अंदर, बस थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। That's good. अम्मी मेरी बात तो सुने आप, आप लोगों ने कैसे उनकी मर्जी के बगैर उनका रिश्ता तय कर दिया? अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? कैसी बेवकूफ की बातें कर रही हो, क्यों इनकार करेगी नूर, इतना अच्छा लड़का है वासिफ। अम्मी अपनी अपनी पसंद की बात होती है, क्या पता उन्हें वासिफ भाई पसंद ही ना आए। सुनो ये जो बेवकूफ की बातें तुम मेरे सामने कर रही हो ना, कहीं उसके सामने मत कर देना, उसका दिमाग वैसे ही खराब है। और वासिफ जैसा लड़का तो किस्मत वालों को मिलता है। वैसे अब्बू को भी वासिफ भाई बहुत पसंद आए हैं। पहली बार तुम्हारे अब्बू को नूर के लिए कोई अच्छा लड़का लगा है। वही तो कह रही हूँ, अब्बू तो तारीफ कर करके थक ही नहीं रहे। माशाल्लाह वो है ही तारीफ के लायक। वासिफ हमारे घर का दामाद बने ये हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। फिर भी अम्मी कोई भी फैसला करने से पहले आप ही को एतमाद में ले लीजिएगा। आज जब वो आएंगे कितना बुरा लगेगा उन्हें ये सब सुनकर। अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं आपकी बातों पर जरूर अमल करूंगी। सिर्फ बातें करने आती है, आके कमरा साफ करवाओ। अम्मी जी बिल्कुल ठीक, आप कल भिजवा दें, मैं देख लेता हूं। चलें ठीक है, खुदा हाफिज़। अप्पू आपने याद किया मुझे? भाई हमारी बेटी इतने दिनों के बाद आई है, क्या थोड़ी देर हमारे पास बैठेगी भी नहीं? आप ना बुलाते ना मैं तब भी आती। और ये हमारी नूर के लिए। ये क्या है? वही जो बचपन से तुम्हें बहुत पसंद है, खोल के देखो। पायल, थैंक यू सो मच बाबा। अच्छा अब जल्दी से पहन के दिखाओ। बिल्कुल शहजादी लग रही है हमारी बेटी, अब आप इसे हर वक्त अपने पांव में पहने रखेंगी। हाँ लेकिन एमन जेलिस होगी। उसे कह देना मेरे अब्बू ने दिए। और अगर उसने मुझसे छीन ली तो? तो मैं अपनी नूर बेटी के लिए दूसरी बनवा दूंगा। थैंक यू सो मच अब्बू। आपको पता है आपके बगैर दुनिया अधूरी लगती है, वहां मैंने कैसे इतने दिन गुजारे ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और हमारी आंखों का नूर जो इतनी दूर था वो, लेकिन यहाँ हर वक्त तुम्हारी बातें होती रहती थी। नूर ने अभी खाना खा लिया होगा, अभी क्लास में होगी, अभी यूनिवर्सिटी से वापस आ गई होगी। ये सारी बातें सुनकर एमन का मुंह बन जाता था। हाँ जलती है वो मुझसे, आपकी लाडली जो हूँ। अच्छा तुम जल्दी से जाके इसे एमन को दिखाओ और दिखो क्या कर। ठीक है मैं अभी जाती हूँ और इसे टेलिस करके आती हूँ। थैंक यू। बेटा नूर घर वापस आ गई है, चलो तो मैं किसी दिन चल के मिलवा देती हूँ। मैं इस वीक तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम नेक्स्ट वीक रखते हैं, ओके? अरे देखा, इसीलिए मैं आप लोगों की इस फील्ड के खिलाफ। वासिफ के पास अपनी होने वाली बीवी से मिलने का टाइम नहीं, शादी के बाद तो वो इसकी सूरत देखने के लिए तरस जाएगी। भाई आजकल वो वाकई बहुत ही मशरूफ है, जो हमने नया हॉस्पिटल खोला कराची में उसकी पूरी देखभाल कर रहा है, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक तो इसका मतलब है कि मुझे अब अपने बेटे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, है ना? इसीलिए कहती हूँ उसकी जल्दी से शादी करो ताकि इस घर में कुछ रौनक तो हो। ओके ओके मैं कुछ खा लूं। शुक्रिया। आप क्या कम दीजिए था बेटा भी अब। उफ मेरे खुदाया, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? आखिर मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें एतराज किस बात पर है? इस बात पर एतराज है कि
इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकती हैं? देखो नूर, तुम एक बार वासिफ से मिल लो। वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा शरीफ लड़का है। जिस भी लड़की की उसके साथ शादी होगी वो बहुत खुशकिस्मत लड़की होगी। सिर्फ एक बार मिल लो तो होगा ना शरीफ? मुझे नहीं है पसंद। अम्मी, अगर आपी को रिश्ता ये पसंद नहीं है तो तुम खामोश रहो। बिना वजह की उल्टी सीधी बातें करके इसका दिमाग खराब मत करो। इनका दिमाग वैसे ही खराब है, मैंने क्या खराब करना है? तुम दो मिनट चुप नहीं रह सकते? हर बात में बोलना जरूरी है? अम्मी, आप अब्बू से जाके कह दो कि मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? तुम्हारे अब्बू पूछेंगे तो वजह क्या बताऊंगी मैं उन्हें? वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप उन्हें मना कर दें बस। क्या हो गया? किस किस्म की बातें कर रही? जिसका डर था वही हुआ ना। देखो, अब लड़ झगड़ के बात मनवाने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में कोई लड़ाई नहीं चाहता। वो मेरा इंतखाब क्यों करेंगे? कहां वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर और कहां मैं? हसन, तुमने तो कहा था कि तुम हर हालात में मेरा साथ दोगे, अब क्यों तुम बुजदिलों की तरह पीछे हट रहे हो? परेशान मत हो, मैं अम्मी अबू को मना लूंगी। तुम देखना, दो दिन में भूख हड़ताल करूंगी ना तो दोनों के दिल नरम पड़ जाएंगे। किससे बात कर रही थी तू? कौन था वो? इसीलिए तुम्हें हमने पढ़ने के लिए दूसरे शहर में भेजा था कि तुम हमें ये दिन दिखाओ, हमारी मोहब्बत का ये सिला दो तुम हमें? अम्मी, हसन की शादी करने में क्या बुराई है? वास बंद कर, जितना मैं पूछूं सिर्फ वो बताओ कौन था, कब से चल रहा है ये सिलसिला? 2 साल से जानते हम एक दूसरे को। अम्मी, हसन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है, बहुत शरीफ है। हम तो ये समझ रहे थे कि हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करने गई। हमें क्या मालूम था कि हमारी नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है? हसन की शादी करने में आखिर गलत ही क्या है अम्मी? गलत तो वो है जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं, उनसे पूछे बगैर मेरी शादी कर रहे हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी गलत फैसले नहीं करते, और तुम्हें अब हमारे फैसले का मान रखना होगा। जरूर रखती हूँ, अगर ये मेरी जिंदगी का मामला ना होता तो। तुम जानती हो, अगर इस बात की खबर तुम्हारे अब्बू को पता चल गई ना तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। वो ऐसा क्यों करेंगे अम्मी? शादी एक जिंदगी का अहम फैसला है, और अगर वो ही मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ तो ऐसी जिंदगी का फायदा क्या? बकवास बंद करो, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे अबू लड़के वालों को जबान दे चुके, वादा कर चुके उन लोगों से, अबू अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, और तुम्हें हमारी बात का भरम रखना है। अगर तुमने इनकार कर दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? चाहे जो भी हो जाए, शादी मैं सिर्फ हसन से करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। नूर, नूर! अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आप ही से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। तुम्हारी क्या सुनेगी, मेरी तो बात कोई सुन नहीं रही। क्या जवाब दूंगी मैं रिश्ते वालों को? वो तो कह रहे हैं कि मंगनी की तारीख तय कर दें। तुम्हारे अब्बू, उन्हें क्या बताऊंगी मैं कि उनकी बेटी ने क्या खुल खिलाए जिस पर उन्हें इतना मान था? अम्मी, ये भी तो हो सकता है अब्बू आप ही के किसी फैसले पर एतराज ना करें। आप जानती तो हैं वो कितना प्यार करते हैं उनसे, आज तक उनकी कोई बात नहीं टाली। जानती, बहुत अच्छी तरह से जानती। उसी लाड प्यार का तो नाजायज फायदा उठा रही है वो। इसीलिए पढ़ाया लिखाया था हमने कि माँ बाप की और खानदान की इज्जत का कोई एहसास नहीं रखे वो। मुझे उससे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, दिल दुखाया उसने मेरा। लेकिन क्यों,
तुमने उसे बताया नहीं कि मैंने लड़के वालों की जबान दे दी है, अब पीछे नहीं हट सकता। बताया तो था लेकिन। लेकिन क्या? वो यहाँ शादी नहीं करना चाहती, किसी और को पसंद करती है। क्या? किसी और से? किससे? वो यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ता है, उसके क्लास फेलो है उसका। मैंने तो उसको बहुत समझाया, हाथ पांव तक जोड़े, मगर वो टस से मस नहीं हो रही। पता नहीं उस लड़के ने क्या जादू कर दिया उसके पर। कौन है वो लड़का जिसने मेरी बेटी को वरगलाया है? दो साल से जानते हैं एक दूसरे को, पसंद करते हैं। नूर के बारे में तो आप जानते हैं ना, कितनी जिद्दी है वो। जिस बात पर अड़ जाए वो बात करके ही दम लेती है। मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है उसे, लेकिन ये उसकी जिंदगी और हमारी इज्जत का सवाल है, और मैं इस मामले में उसे कोई ढील नहीं दूंगा। बहुत कर ली उसने अपनी मनमानी, और अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। रुकिए तो प्लीज, मेरी बात तो सुन लें। इस तरह गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप इस तरह सख्ती करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। हमें सख्ती करने के बजाय प्यार से समझाना चाहिए। तुमने समझाया ना प्यार से, देख लिया नतीजा? या मेरे खुदाया, आपका गुस्सा और नूर की जिद मामले को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा देगा। तो फिर क्या करूं मैं? आप मेरी बात माने तो एक बार लड़के से मिल लें। मतलब मैं हार मान लूं? इसमें हार मानने वाली कौन सी बात है? लड़के से मिलने से पता चलेगा कि लड़का है कैसा। हो सकता है लड़का वाकई अच्छा हो। ठीक है, जाकर कह दो कि उस लड़के को बुलवाए किसी वक्त, लेकिन उसे घर बुलवाने का ये मतलब हर गिर नहीं कि मैं राजी हो गया। पहले मैं उसे अच्छी तरह देखूंगा परखूंगा, फिर हाँ करूंगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी जहीन बेटी इस कदर अहमकाना फैसला भी कर सकती है। अगर आपको इनकार ही करना था तो घर बुलाकर जलील करवाने की क्या जरूरत थी? जलील हमने उसे किया है कि वो हमें करके गया है। हसन से मिलने के बाद, उसके ख्यालात जाने के बाद हमने फैसला कर लिया है कि वो उस काबिल ही नहीं कि तुम्हारा रिश्ता वहां किया जाए। तुम्हारे साथ तुम्हारे वालदैन नहीं आए? मेरे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। उस वक्त मैं 8 साल का था। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। फिर तुम्हारी परवरिश किसने की? मेरी परवरिश का जिम्मा मेरी खाला ने उठाया था। बहुत एहसानात हैं उनके मुझ पर। उनके बेटे की दुबई में जॉब लग गई है तो वो वहीं शिफ्ट हो गई। अगर यहाँ होती तो उनको साथ जरूर लाती। खाला के अलावा तुम्हारा कोई और रिश्तेदार नहीं था जो इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ आता? यूं ही समझ लीजिए। हाँ, लेकिन कोई तो होगा, चचा, मामू, ताया या दूर का कोई रिश्तेदार। मैंने नूर को पहले ही बता दिया था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। देखो, इस तरह के जो मामलात होते ना वो घर के बड़े ही तय करते हैं। तुम्हें अपने साथ खानदान के किसी बुजुर्ग को साथ लाना चाहिए था। इतनी दूर के रिश्तेदारों से मेरा मिलना जुलना नहीं है, इसलिए। रिहाइश कहाँ है तुम्हारी? मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो शादी के बाद मेरी बेटी को कहाँ रखो? कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट ले लूंगा किराए पे, उसी में शिफ्ट हो जाएंगे। देखो, मेरी बेटी आसाइशों में पली बड़ी है, तो तुम्हारे साथ किसी छोटे मोटे फ्लैट या किराए के मकान में कैसे रहेगी? ये सब कुछ तो आपकी बेटी को मुझसे मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरा मतलब है, उसने मुझसे शादी का फैसला कुछ सोच समझ के ही किया हो। ये थी नूर की पसंद? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी जहीन बेटी इस कदर अहमकाना फैसला भी कर सकती है।
जिस लड़के का हसब नसब का मालूम नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, मैं उसे अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ? मुझे तो खुद उसका रवैया बहुत अजीब सा लगा। हैरानी है नूर पर, किस तरह से पसंद कर लिया इस बदतमीज लड़के को। ना कम हैसियत होने के बावजूद अकड़ तो ऐसा रहा था जैसे कहीं मिनिस्टर लगवाओ। मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है मुझे, जो मैं उसका हाथ किसी भी ऐरे गैरे के हाथ में दे दूं। जाके बता देना नूर कि ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। और ये भी बताओ कि कल शाहनवाज और उनकी बेगम आ रहे हैं अपने बेटे से उसकी बात पक्की करने के लिए। अगर आपको इनकार ही करना तो घर बुलाकर जलील करवाने की क्या जरूरत थी? जलील हमने उसे किया है कि वो हमें करके गया है? हसन से मिलने के बाद, उसके ख्यालात जाने के बाद हमने फैसला कर लिया है कि वो उस काबिल ही नहीं कि तुम्हारा रिश्ता वहां किया जाए। आप लोग हसन को भी दौलत के तराजू में तोड़ रहे हैं। अगर उसके माँ बाप होते तो आज वो भी खाते पीते घर आने का होता ना। नूर, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? बात सिर्फ दौलत और जायदाद की नहीं है। अम्मी, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अभी नहीं है हसन के पास कुछ, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। कब तक? जब तक तुम्हारी उम्र गुजर चुकी होगी। और वैसे हसन से मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो जिंदगी में कुछ कर सकेगा। मैं तो समझ में नहीं आता कि उसने तुम्हें क्या घोल के पिला दिया है कि तुम्हें हमारी कोई बात समझ ही नहीं आ रही। अम्मी, मैं बेवकूफ नहीं, अपने अच्छा बुरा अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। और अगर मेरी शादी हसन से ना हुई ना, मैं आपके पसंद के लड़के से भी शादी नहीं करूंगी। मेरे खुदाया नूर, तुम बात नहीं समझ रही हो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारी छोटी बहन के जहन पर क्या असर पड़ेगा, कुछ तो सोचो इस बारे में। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और अगर मेरी वजह से माहौल खराब हो रहा है ना, तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। बकवास बंद करो वरना दूंगी एक उल्टे हाथ का खींच के। तमीज लड़की, अपनी माँ के सामने खड़ी होकर ऐसे बातें कर रही हो? आइंदा कभी ये बात दोहराई ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी। तुमने हमारी मोहब्बत और नरमी का नाजायज फायदा उठाया। अभी तक जितनी तुमने अपनी मनमानी करनी थी कर ली, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। अब भूख हड़ताल और एहतजाज से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी सास रिश्ते की मिठाई लेकर आई है और शायद इतवार को मंगनी करने का कह रहे हैं। उसी दिन ही शादी की तारीख तय करेंगे। आप एक बार उन्हें देखें तो सही, आप हसन को भूल जाएंगे। दिखाऊं तस्वीर? अगर इतना ही हैंडसम लग रहा है ना तो खुद कर लो शादी उससे। बस कर दें आप ही, कितना जिद पैड़ी रहेंगी आप। एमन प्लीज, मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो, मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। हसन के अलावा मैं किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता हूँ। मैं एक लड़की होकर भी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम एक मर्द होकर तुम्हारी फैमिली की पहुँच बहुत ऊपर तक है, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कल को तुम्हारे फादर ने मेरे ऊपर अगवा का केस कर दिया तो फिर क्या करूँगा मैं? तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है और हमारी मोहब्बत, उसका क्या? तुम इस वक्त जज्बाती होके सोच रही हो, ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें एहसास हो जाएगा हम क्या करने जा रहे हैं। हम आराम से यहाँ से भाग तो जाएंगे, लेकिन फिर आगे क्या होगा? ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, इस वक्त लेक्चर सुनने नहीं बैठे हो तुम। मुझसे निकाह कर रहे हो या नहीं, मुझे हाँ या ना में जवाब दो।
आप इस हद तक गिर जाएंगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्यों, ऐसा क्या किया मैं? आप घर से भागकर शादी की प्लानिंग कर रही हैं? निकाह कर रहे, कोई गुनाह नहीं। आपकी इस हरकत से अम्मी अबू पे क्या गुजरेगी आपने कभी सोचा है? ये लोग जो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं वो, अगर ये लोग मान जाते हैं तो ये नौबत ही ना आती। वो आपका भला सोच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं आप इन लग्जरीज के बिना अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। हसन एक कमजोर शख्स है, वो ना ही कभी आपको इज्जत दे सकता है और ना ही तहफ़्फ़ुज़। चुप करो इन्हें, ये सब बोलने का हक नहीं। वो अच्छा हो या बुरा, शादी में हसन से ही करो। ये मोहब्बत नहीं आप ही, पागलपन है ये। तुमने कभी किया है? नहीं, तुम मेरे साथ बहस मत करो। किसी ऐसे इंसान से शादी करना जिससे आप मोहब्बत ही ना करते किसी अजाब से कम नहीं है। आप ही हसन से शादी करके सिवाय बदनामी और रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा आपको। तुम अब दादी अम्मा ना बनो। अगर मेरी हसन से शादी ना हुई मैं तब भी उस डॉक्टर से शादी नहीं करूंगी। अच्छा, क्या कर लेंगी आप? ऐन वक्त पर निकाह से इनकार या फिर खुदकुशी। हाँ, मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, अगर आपने अपने लिए गड़ा खोद ही लिया है तो मैं नहीं रोकूंगी। अब आप रोज रोज अम्मी अबू को टेंशन देने से बेहतर है आप एक ही दफा उन्हें गहरा सदमा पहुंचा दें। क्या बकवास कर रही हो तुम्हें? आप हसन से निकाह की तैयारी करें, घर से भागने में मैं आपकी मदद करूंगी। क्या? हाँ, इस मसले का सिर्फ यही एक हल है। मैं भी आती हूँ। हेलो। हाँ, मैं बाहर तक आ गई हूँ लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं कल फोन करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आज इतनी देर कर दी? कुछ नहीं अम्मी, बस वो कुछ हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस थे, काफी पेशेंट बैठे हुए थे। मैं जानती, मेरा बेटा बहुत लाइफ डॉक्टर। थैंक यू। अच्छा अम्मी, मैं रूम में जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ, मुझे प्लीज कॉफी भेज दे। सुबह उठ के कराची वाले हॉस्पिटल भी विजिट करना है। इतनी सुबह क्यों, सब खैरियत तो है? हाँ, वो एक दो इमरजेंसीज हैं और एक दो सर्जरीज करनी है। मैं तो अभी जा रहा था मगर ड्राइवर ही छुट्टी पर है तो सुबह की ट्रेन से कराची जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, घर में इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और तुम बसों या ट्रेनों में धक्के खाओ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, और बसों में भी तो इंसान ट्रैवल करते हैं, और वैसे भी अभी मुझे लॉन्ग ड्राइव का बिल्कुल शौक नहीं। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन देखो कराची से जल्दी वापस आओ इसलिए कि मुझे फौरन तुम्हारी एंगेजमेंट करनी है। अच्छा, जल्दी से मेरे रूम में कॉफी भिजवा दे। भेजता हूँ। हो गई पैकिंग? हाँ, बस ये कुछ कपड़े रह गए। ये गेट की चाबी और ये कुछ पैसे रख लें, काम आएंगे आपके। अरे नहीं, मेरे पास कुछ जेवर हैं और कैश भी है, इसकी जरूरत। आप ये रखें, आपको काम आएंगे। मैं बाहर कैसे जाऊंगी, गेट पर तो चौकीदार होगा और मुलाजिम भी। मुलाजिम अभी सो रहे हैं, चौकीदार बाबा नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। मैंने टैक्सी भी मंगवा ली है, हसन आएगा तो सही ना आपको स्टेशन पे लेने के लिए? हाँ, वो तो वहीं पे, फोन आया था उसका वेट कर रहा है वो मेरा, कराची हम लोग साथ ही जा रहे हैं। तुम अम्मी और अब्बू का बहुत ख्याल रखो, चलता हूँ हसन को लेकर घर। मुझे यकीन है कि ये लोग मुझे माफ कर देंगे। वापस पलट के मत आइएगा आप ही, अम्मी अब्बू आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ख्याल रखना बहुत बहुत। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम, मुझे 7 बजे की ट्रेन के बोर्ड टिकट चाहिए। मैम 7 बजे वाली ट्रेन 8 बजे जाएगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। 8 बजे जाएगी? ये लीजिए। देख के नहीं चल सकते आप? सुन ना, आई वाज़ ऑन द कॉल, तभी सो गया। यार कराची की एक टिकट चाहिए। अगर आप माइंड ना करें आपके साथ बैठ सकता हूँ प्लीज? बैठ जाइए। आपके लिए कुछ चाय या कॉफी? क्या आप मर्दों का हर जगह फ्लर्ट करना जरूरी होता है क्या? देखने में तो इतनी शरीफ खानदानी और पढ़े लिखे लगते हैं, अगर हरकत ही टिपिकल चिचोरे मर्दों वाली, जहाँ के लिए लड़की देखी वहाँ फौरन टपक पड़े मदद करने के लिए। अच्छा तरीका लड़की से बातचीत शुरू करने का, फ्रैंक होने का। देखिए बोले जा रही है, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो दोस्त मैंने आपको इस तरह अकेले देखा, परेशान देखा, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। कुछ ढूंढ रही हैं आप? जी नहीं। शायद आप ये ढूंढ रही हैं।